हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है काशिश कर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा ग्रुप पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म क्या है, सबसे पहला सवाल आता है हमारा, प्रिज्म क्या है तो समझिए जरा। प्रिज्म की डेफिनेशन, तीन तरफ से आयताकार तथा दो तरफ से त्रिभुजाकार पारदर्शी माध्यम द्वारा घिरा गया माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म एक ऐसा निकाय है जिसको क्या करते हैं, तीन तरफ से आयताकार माध्यम से घेरा गया है और दो तरफ से त्रिभुजाकार माध्यम से घेरा गया है। अब जरा समझिए, ये हमारा प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म का एक तीन सरफेसेस है, ठीक है ना। ये कितने सरफेस है, इसके तीन सरफेस है। अब इन तीन सरफेस में से दो सरफेस जो है ये कैसे है, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार के हैं, ठीक। और ये आमने सामने के, ये सरफेस और ये सरफेस त्रिभुज के आकार के हो गए। और बाकी के तीन सरफेस, एक ये वाला सरफेस और एक ये और एक नीचे का सरफेस, इन तीनों सरफेस को क्या कहते हैं, आयताकार सरफेस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, प्रिज्म के ये दोनों सरफेस ही क्या करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन में भाग लेते हैं या अपवर्तन करते कराते हैं। इसीलिए इनको कहा गया है क्या, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है ना, अपवर्तक पृष्ठ कहा गया है, ठीक। अब इसको कहा जाता है प्रिज्म का मुख्य आधार, मुख्य आधार, मुख्य आधार, ठीक। ये जो त्रिभुजाकार सरफेस है इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म का मुख्य आधार, ठीक। और ये जो कोर है जो दोनों अपवर्तक पृष्ठों को, ये दो ही अपवर्तक पृष्ठ है ना, दोनों अपवर्तक पृष्ठों को मिलाता है, इसको कहते हैं अपवर्तक कोर। क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं, ठीक है ना, कोर कहते हैं। और लास्ट पॉइंट, ये दोनों अपवर्तक कोरों के बीच का कोण जो होता है उसे कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक। एक आदर्श प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म का मान 60 डिग्री होता है, कितना होता है, 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, और 180 बटे 3 तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एक आदर्श प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री। ये चीज याद रखिएगा, बड़ा पूछा जाता है, ठीक। तो फिर से सुन लीजिए, प्रिज्म क्या है, तीन तरफ से आयताकार माध्यम से घिरा हुआ तथा दो तरफ से त्रिभुजाकार माध्यम से घिरा हुआ यह निकाय है जो प्रकाश के किरणों को उसके अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। जिन सरफेस से क्या होता है, किरणें टकराती हैं, अपवर्तित होती हैं, उन दोनों सरफेस को क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक। और इनके बीच जो क्या करता है, इनको मिलाने वाली रेखा है उसे कहते हैं अपवर्तक कोर, ठीक। और ये हो गया आपका टॉप वाला जो एंगल है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म किसके लिए, आदर्श प्रिज्म के लिए क्या होता है, 60 डिग्री होता है। और नीचे का ये जो भाग है, ये बेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है ना, मुख्य आधार कहते हैं। तो ये था हमारा क्या, प्रिज्म। अब बात आता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, क्या चीज, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। वर्डिंग डाल लीजिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। तो फिलहाल के लिए हमें समझने के लिए मुख्य आधार ही बनाना जरूरी है, बाकी सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, मुख्य आधार बनाते हैं। ये हमारा प्रिज्म हो गया, ठीक, ए बी सी, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक। प्रिज्म हो गया हमारा, और इससे हम एक लाइट पास कराते हैं, सफेद लाइट, श्वेत प्रकाश इससे पास कराने पर क्या होता है, यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। जरूरी नहीं है हम सफेद लाइट ही लें, हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, एक वर्णी प्रकाश लेते हैं,
जब एक वर्णी प्रकाश लेंगे तो इसके पाथ हमें दिखाई देंगे, इसीलिए फिलहाल हम कैसा ले रहे हैं, एक वर्णी प्रकाश ले रहे हैं। अभी कैसा ले रहे हैं, एक वर्णी प्रकाश ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें एक ही रंग हो। अभी ये क्या होता है, इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण कहेंगे, आपतित किरण, ठीक है ना। इसे हम दर्शाते हैं ए बी से, इसे दर्शाते हैं ए बी से। यह आपतित किरण आई और प्रिज्म के सरफेस, इस सरफेस को मान लीजिए पी क्यू और आर, तो किस सरफेस से टकराई, पी क्यू सरफेस से टकराती है, तो पी क्यू सरफेस से टकराती है तो ए बी हमारी क्या हो गई है, आपतित किरण हो गई। क्या हो गई, आपतित किरण हो गई, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये आपतित किरण टकराएगी तो पता है अपवर्तन के नियम से कि क्या होगा, यहाँ पर एक अभिलंब बनेगा, यह बिंदु आपतन बिंदु हो गया और यहाँ पर हम एक ड्रॉ करेंगे अभिलंब। अभिलंब जब बनाते हैं तो अभिलंब बनाएंगे, यह कोण जो है आई कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आई। तो आई क्या है भाई, आपतन कोण हो गया, क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, ठीक है ना, आपतन कोण हो गया। अब यहां से यह क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा, अभिलंब के तरफ झुकेगा। अभिलंब किधर है भाई, इधर है, यह अभिलंब MN है, ठीक, तो MN के तरफ झुकेगा अर्थात कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से जाएगा। अब गया ये किरण तो इसे कहते हैं अपवर्तन कोण, क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, स्मॉल r से दिखाते हैं, r क्या हो गया भाई, अपवर्तन कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है ना, अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, अपवर्तन कोण हो गया, ये आर हो गया, ठीक। और यह किरण बी सी मान लीजिए हो गया, बी सी किरण क्या है भाई हमारा, यह किरण कहलाएगी अपवर्तित किरण, क्या कहलाएगी, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, ठीक, या रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, ठीक। चलिए आगे, अब बात करते हैं अपवर्तित किरण के बाद, यह किरण पुनः यहाँ पर पहुंची और यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पर फिर एक अभिलंब बनाते हैं, अभिलंब हमने बना लिया और अभिलंब बनाने के बाद क्या करते हैं, देखिए यह सघन से विरल माध्यम में जाएगी, वायु बाहर होगा और यह किसी माध्यम से बना हुआ है ना, तो यह सघन होगा सदैव, तो क्या होगा कि किरण थोड़ा सा और मुड़ जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी और अभिलंब से दूर जाएगी तो पुनः मुड़ जाएगी, ठीक। तो इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण, क्या कहते हैं, निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, रे कहते हैं, क्या कहते हैं, सीडी, इमर्जेंट रे। और इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि वास्तव में ये जो आपकी आपतित किरण है और निर्गत किरण है, ठीक है ना, इसमें कुल कितना विचलन हुआ इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इस AB को आगे तक बढ़ाते हैं और इस CD को भी पीछे तक बढ़ाते हैं और इनको बढ़ाने पर ये जो एंगल प्राप्त होता है या जो कोण प्राप्त होता है इसे क्या कहते हैं, डेल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। डेल क्या है भाई हमारा, विचलन कोण है, क्या है, विचलन कोण है, कोण है, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण है। वास्तव में दोनों किरणों के मध्य कितना कोण बनेगा यह बताता है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण।
तो इस प्रकार से प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। कैसे होता है भाई? दोनों सरफेस क्या है, एक दूसरे से क्या है, ए एंगल पर स्थित है। तो क्या होगा कि जब प्रकाश इनमें प्रवेश करेगा तो पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहले अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगा, तो टकराएगा तो वो किधर, अभिलंब के तरफ झुकेगा, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो झुकेगा, तो इसका पाथ लगभग सीधा की तरह हो गया। ठीक, अब यह किरण इस सरफेस के लिए आपतित किरण का काम करेगी। इस सरफेस के लिए किस किरण का काम करेगी? आपतित किरण का काम करेगी। फिर ये सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, तो निर्गत किरण जो है, एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है, बाहर निकल जाएगी। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ठीक है ना, इन चीजों को याद रखिएगा। ये प्रिज्म से एसोसिएटेड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इन सबको लिख लीजिएगा। ठीक, अब जरा बात करते हैं, एक सवाल पूछता है कि विचलन कोण किस पर निर्भर करता है। क्या चीज? विचलन कोण, ये जो डेल है, इसकी निर्भरता की बात करता है, किस पर निर्भर करता है, कि कौन कौन सी वैल्यूएं इसको क्या कर सकती हैं, परिवर्तित कर सकती हैं। तो पहला है, यह निर्भर करता है आपतन कोण को। देखिए जरा, विचलन कोण की निर्भरता, विचलन कोण की निर्भरता, निर्भरता, तो ध्यान दीजिए, विचलन कोण किस पर निर्भर करता है? पहला नंबर, आपतन कोण पर भी निर्भर करता है, आपतन कोण पर। ठीक है ना, अब किस प्रकार से करता है सुन लीजिए, बस ज्यादा नहीं जानना है आपको। आपतन कोण से पर किस प्रकार से निर्भर करता है? आपतन कोण का मान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, आपतन कोण का मान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, विचलन कोण का मान भी उतना बढ़ता जाता है। क्या होगा? विचलन कोण भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर किस पर? एंगल ऑफ प्रिज्म पर निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर भी निर्भर करता है। दूसरा किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म कोण पर भी निर्भर करता है। ठीक, तीसरा प्रकाश के रंग पर भी, प्रकाश के रंग पर भी विचलन कोण निर्भर करता है। कैसे? समझिए, बैगनी रंग का प्रकाश जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, और उसके तरंग दैर्ध्य के अधिक होने के कारण क्या होता है, उसका विचलन भी अधिक होता है, उसका विचलन अधिक होता है। जबकि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है, सॉरी, तरंग दैर्ध्य लाल रंग का अधिक होता है, जिससे उसका विचलन क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, तो रंगों के ऊपर भी विचलन कोण निर्भर करता है। किन किन चीजों पर? आपतन कोण, प्रिज्म कोण और रंगों पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, और अगर पूछे तो प्रिज्म के मटेरियल पर भी विचलन कोण निर्भर करता है। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इन चीजों को नोट करिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विचलन कोण की निर्भरता, तो समझिए जरा, विचलन कोण बताएं किस पर निर्भर करता है। एक तो हमारे यंत्र पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, और एक निर्भर करता है हमारे प्रिज्म के कोण पर। ठीक है ना, तो इसका एक फार्मूला है, डेल बराबर एन माइनस वन ए। ठीक है ना, विचलन कोण बराबर अपवर्तनांक माइनस एक ए। ठीक है ना, जहां एन क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है ना, और ए क्या है आपका, प्रिज्म कोण है। ठीक है ना, एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है, अल्पतम विचलन कोण। क्या आ जाती है? अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है ना, अल्पतम विचलन कोण क्या होता है जरा समझिए, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान कम हो जाता है, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घट जाता है, और एक विशेष आपतन कोण पर क्या होता है, विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। ठीक है ना,
तो उस विचलन कोण को कहते हैं अल्पतम विचलन कोण, इसे दर्शाते हैं किससे, डेल एम से, मिनिमम मिनिमम डिस्पर्सिव एंगल या डेविएटिव एंगल, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन, ठीक है ना। इतना नोट करिए, फिर अब पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक, अब बात करते हैं वर्ण विक्षेपण की, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो समझिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में छूटकर विभक्त हो जाता है, इसी फिनोमिना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब जरा ध्यान दीजिए, जब प्रकाश गुजरेगा तो वह कितने रंगों में विभक्त होता है, तो ध्यान दीजिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है, विब्योर, क्या है ट्रिक, विब्योर, ट्रिक हमारा क्या है, विब्योर। वी से आपका हो जाएगा वॉयलेट, आई से हो जाएगा इंडिगो, ब्लू से हो जाएगा आपका क्या, सॉरी बी से ब्लू, जी से आपका हो जाएगा ग्रीन, और वाई से आपका हो जाएगा येलो, और ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो ये था आपका ट्रिक, विब्योर, ऐसे याद करते हैं। तो क्रम याद रखिए, ये नीचे से ऊपर की तरफ है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसका हिंदी में भी ट्रिक होता है, बैजनी हप्पी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल, ठीक है ना। तो ये होता है बैजनी हप्पी नाला। अब देखिए, ये जो प्रकाश के सात रंग है ना, इन सातों रंगों को हम क्या कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं, ठीक है ना, वर्ण क्रम, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो इन सातों रंगों को हमने क्या नाम दे दिया, वर्ण क्रम नाम दे दिया, स्पेक्ट्रम नाम दे दिया। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य, फिलहाल तो इन सबको याद नहीं कर पाएंगे, फिर भी कोशिश करिएगा कि याद हो जाए, लेकिन ये याद करिए, सबसे क्या कम तरंगदैर्ध्य हमारा किसका होता है, बैगनी का, कितना 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, कितना होता है 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, और सबसे अधिक हमारा लाल रंग के प्रकाश का होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। और यही 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश को हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसीलिए इस परिसर को कहा जाता है दृश्य प्रकाश कहते हैं, क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश, ठीक है ना। तो ये रेंज है प्रकाश की जिसको हम देखते हैं। ठीक, तो सूर्य के द्वारा प्रकाश कैसा हमें मिलता है, सफेद मिलता है, और सफेद रंग के प्रकाश को क्या करते हैं, हम जब अवयवी रंगों में विभक्त कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और इन रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं, रंगों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं। ठीक, अब देखिए वर्ण विक्षेपण के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या क्या है, ठीक, इनके बारे में तथा अन्य चीजों को, फिर इसके बाद जो है वर्ण विक्षेपण के बाद प्रकीर्णन है प्रकाश का, इन चीजों को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।